नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के रायसेन में ग्रामीणों ने किए दो डंपर आग के हवाले। खनिज विभाग की मिली भगत से चल रहा है रेत का अवैध उत्खनन। ग्रामीणों ने दो डंपर को किया आग के हवाले। रायसेन जिले में मां नर्मदा के सीने को चीर कर रेत माफिया खनिज विभाग से मिली भगत करके रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों रायसेन के नज़दीक मनकापुर गांव में ग्रामीणों ने दो रेत के डंपर में आग लगा दी थी। उधर एक ग्रामीणों ने इस अवैध उत्खनन के खिलाफ आरटीआई दाखिल की है और प्रशासन से सवाल किए हैं। उधर उप पुलिस अधीक्षक अमृत लाल मीणा ने बताया कि डंपरों को जलाने वाले 5 ज्ञात एवं 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 307 एवं धारा 435 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। नामजद आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। रायसेन संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। मैं आरटीआई कार्यकर्ता जीएस चौहान, ग्राम चंदवार, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन। अभी विगत दिनों मनकापुर ग्राम पर दो डंपर आगजनी में जले थे, तो उस संदर्भ में प्रशासन से अपन ने आरटीआई भी दायर कर रखी है। ये वैसे तो अवैध खनन पिछले काफ़ी दसों वर्षों से रायसेन जिला, सीहोर जिला हो या होशंगाबाद, जो भी यहाँ बिंदास चल रहे हैं, और धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन, अवैध रेत परिवहन, जिनमें जनहानि, दुर्घटनाएं होना, अवैध डंपरों से, अवैध रेत माफिया और अवैध डंपर इनके। अब यहां पर आगजनी जो हुई है उसमें, उस विषय पे अपन नहीं जाना चाहते हैं, वो पुलिस का अपनी जांच का विषय है। उसमें वो क्या कैसे क्या करती है वो अपना। इसमें प्रशासन से सीधे तीखे सवाल है कि अवैध रेत डंपर है ये, डंपर के वहाँ एक डंपर ले गए हैं प्रशासन, और एक अभी वर्तमान पर वहाँ पर है, उसका नंबर है MP04HE4758। आप नेट पर सर्च करिए, ये इसका बीमा नहीं है इस डंपर का। अब प्रशासन से अपने जो सवाल है इसमें, डंपर मालिक का रजिस्ट्रेशन, बीमा इंश्योरेंस, अनुज्ञा पत्र, रजिस्ट्रेशन, इनकी अपन ने आरटीआई दाखिल करी और ये मांग की है। अब इसका एक दूसरा पहलू यह है कि अगर इन अवैध रेत डंपरों से किसी प्रकार की जनहानि होती या हो जाती, किसी से कोई दुर्घटना होती, तो फिर ये पुलिस किसका चालान पेश करती, और कैसे ऐसे कि ये जिसमें बीमा किसको मिलता, क्लेम किसको मिलता, मिलता नहीं मिलता। पिछले मेरे तो परिवार का आधा दर्जन कछु कम लोगों को इन अवैध रेत माफियाओं ने, अवैध डंपरों से कुचल कर मार दिए हैं, जिसके माननीय हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है और संभवतः इसमें निर्णय आने वाला है। मार्च की इसमें सुनवाई है, नोटिस इशू हुए हैं, कलेक्टर साहब को भी हुए हैं, सबको हुए हैं, प्रशासन, खनिज मंत्रालय से लेकर सबको हुए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये इन रेत माफियाओं से आम जनता लड़ाई लड़े तो कैसे लड़े, और ये कब तक कैसे क्या करते हैं। इनकी एक अपनी एक अगल प्रक्रिया होती है, ये है लोग फर्जी बाड़ा करके चालान पेश कर देते हैं, तो पीड़ित परिवार को कभी कोई न्याय नहीं मिलते हैं। और इसमें जो फर्जी डंपर है जिसका बीमा नहीं है, यह रेत खदान पर कैसे संचालित है, इसको कैसे अनुमति प्रदान की गई है कि ये कार्य उस पर रेत परिवहन में लिप्त है, अब देखना यह होगा। ये कल शाम करीब 6 बजे की घटना है। मनकापुर थाना भारत क्षेत्र में 3 डंपर रेत से भरकर और भोपाल की तरफ जा रहे थे। इसी बीच में गांव से बाहर ग्रामवासियों ने उन्हें रोक कर और डंपर चालकों और क्लीनर्स के साथ मारपीट की। 3 में से 2 डंपर में आग लगा दी और इसके बाद फरार हो गए थे। इस मामले में डंपर चालक की तरफ से 5 ज्ञात और 15 अज्ञात लोगों सहित कुल 20 आरोपियों के विरुद्ध 307, 435 और बलवा की अलग अलग धाराओं में अपराध दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रात से ही पुलिस फोर्स तैनात है। अभी जो नामजद आरोपी है उनमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है, शेष जो अज्ञात है उनको शीघ्र दस्तयाब कर उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या घटना का कारण सर क्या रहा प्रथम दृष्टि? अभी जो ट्रक के चालक और परिचालक ने बताया है कि कल जब ये गांव के पहले आम रास्ते से गुजर रहे थे, उसी वक्त आगे
एक मुख्य जो बदमाश है वो कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से मूव कर रहा था। इन्होंने जैसे ही हॉर्न लिया तो उसने गुस्से में आकर हमला कर दिया। फिलहाल अन्य कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है।